हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेन ट्रेन में। जी हाँ, और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैंने अपना IRCTC का पेज खोला हुआ है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, एक और पूजा स्पेशल ट्रेन है जिसको चला दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद अब ये नई वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए। इसमें एक नई ट्रेन जो है उसको चला दिया गया है और ये जो गाड़ी है ये भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाएगी, जिसका जो समय रखा गया है वो रखा गया है शाम को 6:45। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 AC का किराया इसका 1735 रुपये होने वाला है, स्लीपर का 680 और 2 AC का 2365 रुपये इसका किराया दोस्तों होने वाला है। ये गाड़ी जो है वो भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाएगी और इसके आप रूट देख सकते हैं, सुल्तानगंज, जमालपुर, क्यूल, मोकामा, पटना, पंडित दीनदयाल, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन में अभी बिल्कुल देख कर आया हूँ, ये एकदम नए चमचमाते हुए LHB रेक के साथ जो है वो भागलपुर से चलाई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा सीटें इसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको जाना है आनंद विहार तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वहाँ से आनंद विहार से आने वाली जो ट्रेन है वो उस ट्रेन का नंबर क्या है और उसका क्या टाइमिंग है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो नाम वहाँ पर रखा गया है वो रखा गया है भागलपुर फेस्टिवल स्पेशल 04404 और ये वहाँ से भी चलेगी 18:45 पर और यहाँ पर आएगी 3 बजे। और इसका स्लीपर किराया भी जो है वो 720 रुपये रखा गया है, यानी कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है। स्लीपर का और 3 AC का जो किराया है वो 1875 रुपये है। दोस्तों ये समझ में नहीं आया कि आने के टाइम पर इसका किराया जो है वो इतना ज़्यादा क्यों है, जाने के टाइम पे इसका किराया जो था वो कम था। और इसके जो स्टॉपेज हैं वही सेम स्टॉपेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो है अगले दिन 3:15 पर जी दोस्तों भागलपुर पहुँचेगी। तो जैसे कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अभी एक सुविधा स्पेशल को चलाया गया था जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है और यहाँ पर अभी इसकी जो है वो लिसनिंग भी हो गई थी, लेकिन अब उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रेन है इसको रद्द कर दिया गया है और इसी ट्रेन की जगह जो है वो इस नई भागलपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को चलाया गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया और आपको मेरे वीडियो से कुछ सहायता मिली हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। और अगर आप जाना चाहते हैं भागलपुर से आनंद विहार तो इन ट्रेनों में आप जा सकते हैं। मैं ऐसी ही वीडियो और आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।